मैडम कही रिप्पी साहब, कैसे आना हुआ आपको? ऐसा कौन सा काम पर गया आपको जो कॉलेज में आना हुआ? हमें जिले से आदेश मिला है। हमारा नाम जग नारायण सिंह। रिप्पी साहब, कॉलेज इंक्वायरी करने के लिए हमें आदेश मिला है और हम कॉलेज इंक्वायरी करने आए हैं। तुम्हारे कॉलेज में कितने बच्चे हैं? साहब जी, आप खुद ही देख लीजिए ना। कुल इतने बच्चे हैं? कितनी बात, कुल इतने बच्चे हैं? और कुछ बच्चे छुट्टी लिए हैं। अच्छा साहब, आप तो बहुत चिसा लगते हैं। बहुत चिसा है मैडम। ये लड़की है कि लड़का है? समझ लो साहब। साहब जी, ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रही, इतनी देर से कल पूछ हूँ। साहब आप बहुत अड़ियल लगते हैं। पागल लगता है क्या? मेरे कहने का मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या बात है साहब, अगर आपको मैं पा जाऊं क्या बताऊं? मैडम इन बच्चों की छुट्टी कर लीजिए, हम तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। क्यों साहब जी, इन बच्चों के सामने बातें नहीं हो सकती है क्या? कुछ कॉलेज के बारे में बात करेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि दिमाग खराब कर देते हैं। ये कॉलेज की पढ़ाई करते हैं? बोलो नहीं साहब जी, बंद कर देंगे तो निकालना भूल जाएंगे, तुम लोग को सोच लेना। यही पढ़ाई होती है कॉलेज में? चलो ठीक है साहब जी, मैं इन बच्चों को छुट्टी कर दे रही हूँ। जाइए बच्चों, आप लोग कर लेना। ठीक है, बाय बाय बाय। मैडम, आप कितने दिन से पढ़ाई कर रही हैं? साहब जी, मुझे साल भी हो गए जी टू जॉइन की। एक साल हो गया जी साहब जी। अपना रजिस्टर हमें दें। लीजिए। मैडम आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 22 साल है। 22 साल जी। शादी हो गई है? अभी नहीं हुई। अभी वैसे शादी हमारी भी नहीं हुई है। मतलब मैं आपकी बात समझी नहीं, आप कहने क्या चाहती हो? मैडम आज तक हमने कोई शादी की नहीं है। वो क्यों नहीं किया है कि हमारे योग कोई लड़की मिली नहीं, इसलिए हमने शादी नहीं की। और आज हमने तुम्हें देखा, तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है, इसीलिए हम आप तुमसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। रिश्ते का मतलब तुमसे शादी करना चाहते हैं। साहब जी, आपका दिमाग ठीक है कि नहीं? कहां आप, कहां मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा? भले उम्र की तो क्या रखो, हमें नहीं देखिए। हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़े घर में रहोगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। सब चीज दौलत से नहीं होती है, भले अपनी उम्र तो देखिए। मैं आपके साथ शादी करूंगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? I'm
मैया आदा तेरी लगवा। मैडम अगर मेरी बात मान जाओगी तुम्हारी जिंदगी समर जाएगी। मैडम साहब जी आप किसी बात करती हुई शर्म नहीं आती है, मैं तो तुम्हारी एकदम बेटी समान हूँ, आपको ऐसी बात मुझसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनिए। कहिए। नहीं साहब जी ऐसी तुम बात सुनाओ, वापिस हो जाइए यहाँ से। क्यों मेरी बात नहीं अच्छी लगी? नहीं। क्यों? आपकी बात अगर मेरी बात सीधे से नहीं मानोगी तो आप टेढ़े मनाना जानते हैं मैडम। इसलिए मतलब इतनी देर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, जब तक गुली को टेढ़ी ना करो तब तक घी नहीं निकलता है। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं शोरगुल मचा दूंगी, सोचिए ना। सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार, ये साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार, कब रंग तेरे साथ में लूटूं मौज बहार। क्या बात थी? जाते कि नहीं जाते हो? हम बिना तुम्हें ले नहीं जाएंगे, तुमको लेकर तब जाएंगे। पहले हाथ तो लगा के दिखा। तो बचाने वाले को बुला ले, देखता हूँ तेरी मदद करने के लिए कौन आता है। मुझे बचाने वाले मेरे ऊपर वाले भगवान। तो बुला ले ऊपर वाले को, आज हम तुझे जबरदस्ती करते। बच्चा से आए हो? कैसे आए हो? हमें डाकू धाम सिंह लोग कहते हैं। डाकू धाम सिंह? अपना परिचय दो। हमें लोग दीप्ति साहब जग नारायण के नाम से जानते हैं। हम काले से इंक्वायरी करने आए हैं और तुम यहाँ क्या करने हो? हम तुम्हारी इंक्वायरी करने आए हैं। चोर डाकू का यहाँ काम नहीं है। चोर डाकू को होता है डकैती डालना, चोरी करना, मारकाट करना। ओ मैडम जी, डिप्टी साहब कहना है कि ये कॉलेज की इंक्वायरी करने है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कॉलेज की इंक्वायरी करने नहीं आए हैं। ये जो तुम मुझे देख रहे हो ना कॉलेज में, ये मेरी इंक्वायरी कर रहे थे। हो साहब जी। तो कॉलेज की इंक्वायरी करने हैं? हाँ मैडम। तो कह रही है हमारी। अरे जब आप लोगों की मारे जब इंक्वायरी करने पाएंगे तब तो चाहिए। एक से गूंगा बहरा के भर्ती की है। ऐसा है तो खतरनाक। पहली वार्निंग है और लास्ट वार्निंग। दोबारा ऐसी हरकत करते हो कर पकड़े गए
आइंदा तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये नहीं हमारी बात, हमारी बातें तुम्हें पसंद नहीं आई। किसी को नहीं पसंद है। हमारे कारनामे तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो ठीक है, आपको इतराज है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। अगर आप लोग इस मौके पे ना आ जाते तो डिप्टी साहब कमीना पता नहीं मेरे साथ में आज गड़बड़ कर देता। मगर सही है भाई, अभी मौके पे ना आई होते तो डिप्टी साहब अभी अमरूद तोड़ लेते। लेकिन मेरी बात सुनिए, अमरूद तोड़ लेते कि आबरू लूट लेते भी। क्या कहना चाहती हो? लाजी बचाई आप ये मानोगी यही कुछ बातें करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना मानते। क्या कहना चाहती हो? कह दो। ओ आजा प्यारे सजन, प्यारे सजन बुझा दिल की जलन, जुल्फ लहराती है आंखें मुस्काती है, ओ तिरछी तिरछी ए जो तिरछी नजर चलती। कहता करी जोरी के प्यारी की डोर से हट जा हट है। तू हट जा मेरी राह से हट जा हट जा, तू हट जा मेरी। एक बार मान जाइए ना मेरा कहना। अगर आप जा रहे हो तो जाइए,
मैं आपको कभी नहीं मना करूंगी। बस जाते जाते एक मेरी बात सुनते जाइए, उसके बाद मैं आपको कभी नहीं मना करूंगी। अच्छा बोलो, अभी सुनता जाऊं। तोहरे मुंह के जवन बात निकली जानो हमारे सबके बड़े अमृत दिया बरसत है। आओ का चाहे इनके मुंह से थूक निकले वो अमृत दिया तोहरे बारे। अगर न मानोगे पिया साफ करो गले तलवार, प्यार तेरा मंजूर है साफ करो इजा। कहां के हो तुम रहने वाले, क्या है तुम्हारा नाम और किसके हो तुम लाडले, कहां तुम्हारा धाम। उधम सिंह मेरा नाम बहुत मशहूर, कहा कि हो तुम रहने वाली, ऐ जन्नत की नाम हमारा उर्मिला उर्मिला प्राण पिया लो जा गा हमारा तखत पुर वही मेरा माका। राम कुमार सड़वा भेलू वाले कहा तहा 21 रुपया दे तो हम मैडम जी के काम पर खुश हो गए, कहा तो हम मास्टराइन लगी रहा। देवी किसकी बेटी हो तुम? मैं सोच रही हूँ कहीं आप मेरे पिताजी का नाम सुन के कहीं चौंक ना जाओ। डरोगे तो नहीं, बोल दू बता दू? हाँ हवा ना निकल जाए तुम्हारी। खराब हो गया। मेरे पिताजी का नाम है महामंत्री भवर सिंह। ओए प्यारे लाल, इसका बाप तो मेरे बाप को मारा था, यानी ये हमारे दुश्मन की बेटी है। अरे इसका बाप नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं वो बदला इससे ही चुका लेता हूं। बहुत बढ़िया पड़ रहा है, बनगा काम बनाए से हरदी तेल डाल से।